हेलो किसान भाइयों, बरसात का सीज़न में सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि हम टमाटर, गोभी या कोई चीज़ का पौधा कैसे करके उगाएंगे जो हमारा नुकसान नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे करके आप पत्ता गोभी, फूल गोभी या टमाटर का पौधा लगाएंगे जो आपका ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बरसात में जब अधिक बरसात होता है तो हमारा पौधा वो टूट जाता है और इसके वजह से ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, मैं वीडियो में आपको सारा जानकारी बताऊंगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं इनके ऊपर प्लास्टिक से ढका हूं और प्लास्टिक के अंदर में क्या है और इसको किस प्रकार से ढकना चाहिए, वीडियो को पूरी देखते रहें तब आपको समझ में आएगा। कितना भी बारिश पड़ेगा, इसका अंदर जो मैंने पौधा लगाया है उसको नुकसान कुछ भी नहीं होता है। चलिए अंदर मैं दिखाता हूँ कि इसका बीज किस तरह से उगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले, हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में फुलझाटी कहते हैं, वो बहुत नरम लकड़ी होता है। इनके मदद से आप देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हूँ ताकि इसके ऊपर प्लास्टिक आराम से रह सके और जब हवा पड़ेगा या पानी इसमें इसके ऊपर पड़ेगा तो वो अंदर की ओर नहीं घुस पाएगा। इससे हमारा जो पौधा है ये सारा सुरक्षित रहता है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसे अपनी लैंग्वेज में फुलझाटी कहते हैं। यहाँ जहाँ पे बांध पोखर रहता है ये अपने आप से हो जाता है, या इसको एक बार लगा देंगे आप तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको ज़मीन पर गाड़ा हूँ, इसका पत्ता देख सकते हैं हो गया है पूरा। अगर कहीं पे आपका अगर फालतू जगह है तो इसको अगर एक बार लगा देते हैं तो आप काम नहीं है, आप इसको काट के इजली लगा सकते हैं। मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, एक इधर गाड़ा हूँ और एक इस साइड गाड़ा हूँ और दोनों को मिला करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रस्सी से बांधा हूँ। दिखता होगा आपको, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है और जहाँ पे ख़त्म होता है इसको नीचे की ओर रखा हूँ क्योंकि हमारा प्लास्टिक यहाँ पे छेद ना हो जाए। जितना मैं इस तरह का आप देख सकते हैं मैं इस तरह से बांधा हूँ, किसका जहाँ पे ये ख़त्म होता है इसको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर झुका करके बांधा हूँ ताकि हमारा प्लास्टिक वो फट ना जाए। इसके ये लकड़ी या तो आप बाँस का भी इस तरह से दे सकते हैं, पतला पतला बाँस का चीर करके बना के दे सकते हैं। और देने के बाद क्या करना है आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट के लिए पूरा यहाँ से लास्ट तक दिया हूँ और एक इस साइड भी दिया हूँ और एक बीच में है, क्योंकि जब हवा चलती है तो हमारा प्लास्टिक है जो वो अंदर की ओर घुसा देती है। तो ये सपोर्ट मैं देने के बाद वो अंदर की ओर नहीं घुसाता है, वो बाहर में रह जाता है और पानी भी पड़ता है तो वो अंदर की ओर नहीं घुस पाता है, वो आराम से अब रह जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा प्लास्टिक है, सब ऊपर में है, इसका अंदर में नहीं घुसता है। ये सपोर्ट अगर आप नहीं देते हैं तो वो क्या होता है ना कि पानी जब पड़ता है तो इसके वजह से वो अंदर की ओर घुस जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पत्ता गोभी का जो ये पौधा है वो हो चुका है लगाने के लिए, लेकिन बारिश ही बंद नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगा तो जुताई करके ये पत्ता गोभी है और आगे फूल गोभी है ये सारा को मैं लगाऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से होता है इसका, और इसका अंदर में आप जो लगाते हैं बीज वो टेढ़ा बहुत कम होता है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर जब ये हमारा सूख जाता है तो जब धीमी धीमी बारिश होती है तो हम अपनी प्लास्टिक को खोल देते हैं और जितनी इसको ज़रूरत चाहिए उतनी पानी इसमें दे देते हैं, और जब मौसम क्लियर हो जाता है तब हम प्लास्टिक को खोल करके छोड़ देते हैं, इसमें धूप लगने देते हैं। और ऐसे ही जिस दिन शाम में बारिश नहीं होने का चांस रहता है तो प्लास्टिक को रात भर खोल करके छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें शीत पड़ता है वो भी इजली आ जाता है, तो हमारा पौधा जो है वो सुरक्षित रहता है। और इस प्रकार से जब बारिश फिर होगी तो हम प्लास्टिक इसके ऊपर से ढक देंगे ताकि हमारा पौधा डायरेक्ट पानी का संपर्क में आता है, तो बड़ा बड़ा जब पानी का बूंद पड़ता है तो इसका पौधा के ऊपर लगता है और वो पौधा टूट जाता है या टेढ़ा हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हैं, ये फर्स्ट क्लास होता है और कम ही खर्च में
आप इससे कर सकते हैं। सिर्फ आपका प्लास्टिक का जो खर्च है वो सिर्फ वही आता है। इस प्लास्टिक के अंदर में मैंने 7 पैकेट बीज बोया हूँ, जो सिर्फ गोभी का ही है, पत्ता गोभी और फूल गोभी का है। तो इस तरह से आप लोग भी बो सकते हैं। और जिस दिन मैं इसको लगाऊंगा, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको किस तरह से लगाएंगे, जो आपका बहुत जल्द लग जाएगा इनका पौधा। और आपको बाहर में देखिए ऐसे करके बांधना होता है, इसका जो ये प्लास्टिक का अंत वाला भाग होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा गिट्टी फंसा दीजिएगा दोनों साइड में, और खुट्टा गाड़ के अच्छा से बांध दीजिएगा, ताकि जो हवा चलती है तो उखड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक को 3 जगह बांधा हूँ, चारों साइड में और एक जगह बीच में। ऐसे करके मैं बांध दिया हूँ सारा प्लास्टिक को, जो हवा चलता है तो वो कभी उखड़ नहीं पाता है। और ऐसे तो जब हवा चलता है तो इनको खोल करके रख देते हैं, नहीं तो क्या होता है कि प्लास्टिक को फाड़ देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी फाड़ देता है प्लास्टिकों को। और इसको मजबूत रस्सी से बांध दीजिएगा, ताकि नॉर्मली कभी बारिश का कारण से वो फटता नहीं है, नहीं तो कमज़ोर रस्सी से होता है क्या, टूट जाता है बारिश में जब थोड़ा सा भी हवा चलता है। और जब आप इसका अंदर में बीज बो देंगे तो इसका साइड में कुछ इस तरह से गड्ढा कर देना है, जिससे आपका पानी जो प्लास्टिक से उतरता है वो अपना साइड से चल जाएगा। आपका जो पौधा इसका अंदर में है उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका साइड में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया हूँ, और जो प्लास्टिक में पानी गिरता है वो साइड से अपना इजली इसका पूरा साइड में गड्ढा कर देता हूँ, वो चल जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी कोई भी फसल का बीज उगाने के लिए देसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर भी सेम टू सेम उसी तरह है, साइड में मैंने गड्ढा कर दिया हूँ, और जो इसका प्लास्टिक से पानी उतरता है नीचे वो अपने साइड से चल जाता है। अभी पानी बंद हो गया है, तो देखिए मैं प्लास्टिक को नीचे उतार दिया हूँ, कुछ इस प्रकार से रखना है। जैसे ही फिर से बारिश शुरू होगा फिर इसको प्लास्टिक को बांधना होता है। तो हम लोग प्लास्टिक को कुछ इस प्रकार से रखे हैं, आप देख सकते हैं इतना लंबा है ये जो हमने यहाँ पे गोभी का बीज को बोया हूँ। मैं सिर्फ अकेले ही इस पूरा यहाँ से वहाँ तक बांध लेता हूँ। मेरा ये प्लास्टिक 3 भागों में बांटा हुआ है, वो बड़ा रहने के कारण में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं छोटा काट दिया हूँ, इसको 3 हिस्सा बना दिया हूँ। इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया हूँ। और जैसे ही बारिश पड़ना शुरू हो जाएगा तो इस सारा प्लास्टिक को ढक देंगे, या पूरा धूप भी निकल जाएगा तो प्लास्टिक को ढक देंगे। अभी मौसम आप देख सकते हैं पूरा छाया है, तो अभी जब तक छाया रहता है तब तक इनको हवा लगने देता हूँ, फिर जैसे बारिश स्टार्ट हो जाएगा तो प्लास्टिक को ढक दूँगा। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आके कॉल भी कर सकते हैं। हमारा ये देसी जुगाड़ आपको कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी किसानों से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।